हेलो बच्चों, आप लोगों ने कल एल्केन पूरा खत्म कर लिया होगा। उसके एक पार्ट में थोड़ा गड़बड़ी हो गया था तो मैंने दोबारा अपलोड किया था। आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन भी मैंने कल बनाया था, जो आप लोगों ने देख लिया होगा, आज ही देखा होगा मॉर्निंग में। अब बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्कीन। एल्कीन बुकलेट आपके पास होगी ही, अभी आपको बुकलेट लेकर बैठना है। जैसे पहला पॉइंट बेटा एल्कीन, एल्कीन को हम लोग ऑलिफिन कहते हैं। बेटा स्पेलिंग में मिस्टेक है, उसको सही कर लेना। ऑलिफिन स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको सही कर लेना, ऑलिफिन कहते हैं। और बेटा ऑलिफिन का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग, उसी के ब्रैकेट में लिख लेना। ऑलिफिन का मतलब होता है बेटा ऑयल फॉर्मिंग। अब हम लोग एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। पहला बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन बेटा ये रहा एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड है, हमें इसको एल्कीन में बदलना है। जाहिर सी बात है आप एल्काइन से एल्कीन में जा रहे हो, आपको रिडक्शन कराना पड़ेगा। आगे से पीछे जा रहे हो, आपको क्या कराना पड़ेगा, रिडक्शन जो है। बच्चों इसको सही करो, अंकित सही करो पहले। आपको बेटा रिडक्शन कराना पड़ेगा, और रिडक्शन कराने का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा बेटा, अब अगर इसमें हाइड्रोजन का एडिशन आपने निकिल की प्रेजेंस में किया, जिसे हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं, तो बच्चों ये तब तक हाइड्रोजन को ऐड करता रहेगा जब तक कि सारे पाई बॉन्ड खत्म ना हो जाए। कहने का बेटा मतलब यह हुआ कि आपको एल्कीन प्राप्त नहीं होगी, इसका कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। जबकि हम लोगों को सिर्फ एक पाई बॉन्ड को रिड्यूस करना है, हमें पार्शियल हाइड्रोजनेशन करना है। इसलिए हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हम लोगों को कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं करना है, हम लोग को करना है पार्शियल हाइड्रोजनेशन। बच्चों पार्शियल हाइड्रोजनेशन के हमारे पास दो तरीके हैं। एक बेटा हमारे पास है लिंडलार्स कैटलिस्ट। व्हाट इज लिंडलार्स कैटलिस्ट? इसमें बेटा हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट होता है बच्चों पैलेडियम, और इसमें थोड़ा सा हम लोग पॉइजन मिला देते हैं सल्फर, और सपोर्टर के रूप में लेते हैं CaCO3। ठीक है, देखो बेटा ये कैटलिस्ट है, ये पॉइजन है, ये सपोर्टर है। कभी कभी सल्फर की जगह पर क्यूनोलिन भी लिखा होता है, लेड एसीटेट भी लिखा होता है, जो आपके बुकलेट में लिखा हुआ है, और CaCO3 की जगह पर BaSO4 भी लिखा होता है, जैसा कि आपकी बुकलेट में लिखा हुआ है। तो आप ये भी लिख लीजिएगा, और जो लिखा है वो लिखा रहने दीजिए। क्या होगा, सिर्फ एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर आ रहे हैं। यस बच्चों, हमें प्राप्त होती है सिस एल्कीन। ठीक है, दूसरा बेटा हमारे पास तरीका है, आप इस्तेमाल करिए लिथियम और सोडियम का इन लिक्विड अमोनिया। यहां पर भी बेटा पार्शियल हाइड्रोजनेशन ही होगा और आपको एल्कीन मिलेगी, लेकिन इसकी विशेष बात बच्चों है कि हमें ट्रांस एल्कीन मिलती है, और इस रिडक्शन का नाम होता है बर्च रिडक्शन। ठीक है, तो अगर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराओगे तो एल्केन मिलेगा, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। और अगर आपको एल्कीन पर स्टॉप करना है तो दो नए रिडक्शन आपके पास हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट और बर्च रिडक्शन। इससे मिलेगा ट्रांस एल्कीन, उससे मिलेगा सिस एल्कीन। ठीक है, लिख लो, सब लिखा हुआ है, कुछ भी लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। अगला बेटा है फ्रॉम एल्किल हैलाइड।
एल्किलेलाइड से हम लोग कैसे बनाएंगे देखिए, तो अगर आपके पास मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है, मतलब जिसके पास एक हेलोजन हो, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा डिटेल में, सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रिएक्शन मैकेनिज्म में, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराएंगे, मतलब अल्फा से हटेगा हेलोजन और बीटा से हटेगा हाइड्रोजन और बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिनोमिना इज कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। और आपको मालूम है बेटा, हम लोग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराते हैं बाय टेकिंग एल्कोहलिक के ओएच और एल्कीन का फॉर्मेशन बच्चों हो जाए। आप इसके स्थान पर दूसरे स्ट्रॉन्ग बेस भी ले सकते हैं, आप NaNH2 भी ले सकते हैं, एक बुकलेट में और लिखा हुआ है टर्सरी एमीन और हाई टेम्परेचर, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बच्चों है बाई डाई हेलोजन डेरिवेटिव। डाई हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब है जिनके पास दो हेलोजन जेम के पास भी हो सकते हैं, दो हेलोजन विस के पास भी हो सकते हैं, दो हेलोजन टर्मिनल के पास भी हो सकते हैं। अभी लिखकर दिखाऊंगा, ये जेम डाइहेलाइड है, ये विस डाइहेलाइड है। सुनना बच्चों, अगर आपने इनके ऊपर एल्कोहलिक के ओएच को डाला तो वो करवाएगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, एक्स एच एक बॉन्ड, फिर एक्स फिर एच फिर एक बॉन्ड, आपको एल्काइल मिल जाएगा। यहां पर भी देखो एक्स एच एक बॉन्ड, एक्स एच फिर एक बॉन्ड, फिर से आपको एल्काइन मिल जाएगा। हमें एल्काइन नहीं, हमें एल्कीन बनाना है, तो यहां पे बच्चों हम लोग कराएंगे डिहेलोजिनेशन। और डिहेलोजिनेशन आपने हमसे पढ़ा है, डिहेलोजिनेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक प्लस एल्कोहल हीट। जिंक प्लस एल्कोहल हीट का जब इस्तेमाल करते हैं, ये जिंक क्या करता है, इस प्रकार से ZnX2 को हटा देता है और बीच में एक बॉन्ड आ जाता है। और आप देखिए आपको एल्कीन मिले। हाँ, यहां पर भी बच्चों कुछ ऐसे ही होगा कि यहां से भी ZnX2 हटेगा और फिर ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखिए, जेम लीजिए या विस लीजिए, फॉर्मेशन उतने ही कार्बन की एल्कीन का ही होना है। और आपको जान के खुशी होगी, डिहेलोजिनेशन ऑलवेज फॉलो E2 पाथ, हमेशा ये बच्चों हमेशा E2 पाथ को फॉलो करता है। और E2 पाथ आपको मालूम है दोनों लीविंग ग्रुप एंटी कोप्लेनर होना चाहिए। बेटा बोलो कैसे होना चाहिए, एंटी कोप्लेनर। हाँ, इस चीज को और अच्छा दिखाने के लिए अपनी बुकलेट में जरा देखिए, हमने डब्बे के अंदर इसको एक्सप्लेन किया है। पहले वाले में सिस डाई ब्रोमो बना है, दोनों BR सेम साइड पर हैं, डिहेलोजिनेशन कराओगे तो कुछ नहीं होगा। दूसरे वाले में ट्रांस डाई ब्रोमो लिया है, डिहेलोजिनेशन कराओगे पक्का डिहेलोजिनेशन होगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। डिहेलोजिनेशन E2 पाथ को फॉलो करता है, इसलिए दोनों हेलोजन एंटी कोप्लेनर होने चाहिए। अच्छा बच्चों, डाई हेलोजन डेरिवेटिव से आपने एल्कीन बनाना सीखा वाया डिहेलोजिनेशन। जेम और विसलिया तो एल्कीन बन गई, जरा फील करिएगा, अगर बच्चों टर्मिनल डाई हेलाइड लेते और टर्मिनल डाई हेलाइड का आप डिहेलोजिनेशन कराते, तो देखिए बेटा ZnX2 अलग हो गया, ये दोनों टर्मिनल कार्बन जब अपने हाथों को मिलाएंगे तो आपको साइक्लोप्रोपेन मिलेगा।
बेटा क्या मिलेगा? साइक्लोप्रोपाइन। तो जैमोरविस डिहैलोजिनेशन पर एल्कीन बनाती है और टर्मिनल डाइहैलाइड डिहैलोजिनेशन पर साइक्लोएल्कीन बनाता है। ओके बेटा, तो एल्किल हैलाइड से भी आप लोगों ने बनाना सीखा। अब बेटा हम लोग बनाने जा रहे हैं फ्रॉम एल्कोहल। कुछ लिखना तो बेटा इसमें आपको है नहीं, हाँ ये लिख लेना, ये लिख लेना, ये नहीं लिखा है आपकी कॉपी पर। ऐसे बॉन्डों को हटाते हुए दिखा देना, ऐसे इसको हटाते हुए दिखा देना, बाकी सब लिखा हुआ है। अब बेटा हम लोग जा रहे हैं फ्रॉम एल्कोहल, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, सबको मालूम है एल्कोहल से एल्कीन कैसे बनाते हैं, वाया डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन हमेशा फॉलो करता है इवन मैकेनिज्म को, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है, रीअरेंजमेंट की भरपूर संभावनाएं होती। देखिए क्या होगा, आपके कॉपी का एग्जाम्पल ही ले रहा हूं मैं, वीडियो को पॉज करके पहले इसका डिहाइड्रेशन आप खुद कराइएगा। इसका डिहाइड्रेशन पहले आप खुद करिएगा बेटा। ठीक है, करने का तरीका आपको मालूम है, OH को हटाइए, प्लस को लगाइए, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, अगर ये बगल वाले पे चला जाएगा तो ये टर्सरी बेटा हो जाएगा। इसके पास हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, तीन वैलेंसी दिखाई पड़ रही है, चौथी वैलेंसी पे हाइड्रोजन होगा। तो सर्वप्रथम बच्चों यहां पे होगा 1.2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, और ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन टर्सरी कार्बोकेटायन में बदलेगा। ठीक है, अब आप लोग देखिए जिस पर प्लस चार्ज है वो अल्फा है, उसके अगल बगल ऊपर नीचे बीटा है। अब हम लोग डीप्रोटोनेशन कराएंगे सेल्जब रूल से, पुअर बिकम पुअर, सबसे कमजोर, सबसे कम हाइड्रोजन यहां पर है तो डीप्रोटोनेशन कराएंगे वाया सेल्जब रूल। और ये देखिए एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। मैच करिए आपने जो किया था वो सही था या गलत। ओके, उसके बाद रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा हुआ है, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, जो जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है उस एल्कोहल का रिएक्टिविटी फॉर डिहाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होता है। ओके बेटा, एल्कोहल से बनाना आपको पहले से आता था, अब हम लोग बेटा कहां से बनाएंगे? फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। हाँ बेटा, ये रिएक्शन आपके लिए नहीं है, इसको आपने लिख लिया होगा। अब हम लोग बनाएंगे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड देखिए कार्बोनिल कंपाउंड से जब हम लोग एल्कीन बनाते हैं द रिएक्शन इज कॉल्ड विटिंग रिएक्शन। इसकी बच्चों डिटेल डिस्कशन तो कोर्स में नहीं है, बस एक विटिंग रिएक्शन थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन इसका मालूम होना चाहिए। इसमें क्या होता है, हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड है, इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं हम लोग फास्फोरस इलाइड से। ध्यान रखना बेटा, जब इसका रिएक्शन हम लोग फास्फोरस इलाइड से कराते हैं क्या होगा, इसका O और इसका PH3P इस प्रकार से अलग हो जाता है और ये कार्बन डबल बॉन्ड से इस कार्बन से जुड़ जाता है
और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विटिंग रिएक्शन। जहां पर आपको याद रखना पड़ेगा, व्हाट इज फास्फोरस इलाइड? PH3P डबल बॉन्ड CH2 इज कॉल्ड फास्फोरस इलाइड। ओके, अब हम लोग कार्बोनिल से एल्कीन को बना चुके हैं, अब हम लोग बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कीन को वाया कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ये सब लिखा हुआ है, ठीक है? तो हमने सीधे एग्जाम्पल करवा दिया आप लोगों को, और इसका जो जनरल तरीका था वो ऊपर लिखा हुआ था। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन फास्फोरस इलाइट से कराएंगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, सब लिखा हुआ है, मैंने सीधे आपको एग्जाम्पल करवा दिया है। ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग बनाएंगे फ्रॉम एसिड, और एसिड से बनाने के लिए हमारे पास क्या है? कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, कोल्बे से बेटा आपने एल्केन भी बनाया था बाय टेकिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर बेटा हम लोग लेते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब दो सी डबल ओएच होने चाहिए। जैसे ये देखो बच्चों, ये सक्सिनिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक भी है, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, मतलब ये सैचुरेटेड है। दिस इज सक्सिनिक एसिड। देखिए, अगर मैं बात करता सोडियम सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप ये लेते, ना मालूम हो तो लिख लीजिए कहीं पर मैलेइक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक है, अनसैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है, डाई कार्बोक्सिलिक है, सैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड नहीं है। जब एल्काइन बनाएंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे, जब एल्कीन बनाएंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? अभी एल्कीन बनाना है, इसको हटा दीजिए। देखिए, हमें बच्चों लेना था इसका सोडियम सॉल्ट, एच हटाइए, सोडियम लगाइए। अब ये बन गया सोडियम सक्सिनेट, सक्सिनिक एसिड का सॉल्ट सोडियम सक्सिनेट बन गया। आपने इसका कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कराया। देखिए, हम हमारे पढ़ाने का तरीका आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा। हमने कैसे सिखाया था? कार्बन और CO2 का बॉन्ड काटो, बिंदी लगाओ, कार्बन और CO2 का बॉन्ड काटो, बिंदी लगाओ। जब एल्केन बनाया था तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड था, एक बिंदी आई थी, हमने उसको डाइमराइज किया था। यहां पे बेटा ऑलरेडी दो बिंदी आ गई हैं, तो डाइमराइज करने की जरूरत ही नहीं है, ये अपनी फ्री वैलेंसी को मिला लेंगी और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2 मोल CO2 एनोड पे निकलेगा और ये 2 मोल सोडियम 2 मोल वाटर को डिकम्पोज करेगा, 2 मोल NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। दिस इज द कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। आपकी कॉपी में रिएक्शन बैलेंस नहीं है, कर लीजिएगा, यहां पे 2 आएगा और NaOH में भी 2 आएगा। ठीक है बेटा, आइए इस प्रकार से अगर देखें तो आपने एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सिर्फ 2 चीजें नहीं पढ़ी हैं, एक एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन लिंडलर्स के द्वारा सिस एल्कीन में, बर्च के द्वारा ट्रांस एल्कीन। दूसरा नया पॉइंट आपने पढ़ा है विटिंग रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन फास्फोरस इलाइड से कराते हैं तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है।
सिर्फ ये दो चीजें बेटा आपने नहीं पढ़ी हैं, बाकी कोई भी चीज नई नहीं है। हो सकता है ऑनलाइन के स्टूडेंट ने डिहैलोजिनेशन भी हमसे नया पढ़ा हो, जिंक प्लस एल्कोहल हीट। जेमोर विस डाइहैलाइड है तो एल्कीन बनेगा, टर्मिनल डाइहैलाइड है तो साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन होगा। ओके, एक मिनट बेटा आप इसको नोट कर लो। हेलो हेलो, हाँ कौन? हाँ हाँ रिसीव हो गया सर, रिसीव हो गया। हाँ हाँ कंफर्टेबल सर, मैं थोड़ा कहीं पे कहाँ बैठा हुआ हूँ। ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू थैंक यू बेटा। अंकित पानी चाहिए, बहुत ही गला सूखा है। तो अब देखो बेटा, जब एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए तो हम लोग बात करेंगे एल्कीन की प्रॉपर्टी की। मैंने बेटा एल्कीन की प्रॉपर्टी को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एडिशन रिएक्शन, जैसा कि आप रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ चुके हो, एल्कीन की मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा बच्चों ओजोनोलिसिस, तीसरा ऑक्सीडेशन, चौथा पॉलीमराइजेशन और पांचवा बच्चों है स्पेशल रिएक्शन। तो हम सबसे पहले डील करने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शन। सुनिए, हमसे एडिशन रिएक्शन पढ़ने से पहले आप रिएक्शन मैकेनिज्म खोलिएगा और एडिशन रिएक्शन वाली पूरी हेडिंग को रिवाइज करिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर इस हेडिंग को पढ़िएगा, क्योंकि यहां पर मैं समय नहीं दूंगा, मैं जल्दी जल्दी यहां पे काम करूंगा। पूरा एक क्लास, सॉरी पूरी दो क्लासें पढ़ाई गई हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। हेडिंग पढ़ी बुकलेट में देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आइए थोड़ा रिवाइज करा देते हैं हम, चाहे इसको छोड़ दीजिए। पहली रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसा कि आपको बेटा मालूम है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में सबसे पहले अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल और ये होता है स्लो स्टेप, फिर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल और ये होता है फास्ट स्टेप। जब इलेक्ट्रोफाइल बेटा अटैक करता है तो कार्बोकेटायन बनता है एस रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसलिए रीअरेंजमेंट की भरपूर संभावनाएं होती हैं। और आपको यह भी मालूम है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मार्कोनी काफ रूल या पोरवाल काफ रूल को फॉलो करता है। मार्कोनी काफ रूल तभी काम करता है जब एल्कीन हमारी अनसिमिट्रिकल, लेकिन पोरवाल काफ रूल चाहे आप एनसिमिट्रिकल पे लगाओ और चाहे आप सिमिट्रिकल पे लगाओ। जैसे रिवाइज करा रहा हूं, मान लीजिए थोड़ा सा रिवीजन दे दे रहा हूं, ये आपकी एल्कीन है और मैंने इसमें HBr का एडिशन कराने को बोला। अब देखो दोनों के पास हाइड्रोजन सेम है, मार्कोनी काफ का मतलब नहीं बनता है, हमने पोरवाल काफ लगाया। पोरवाल काफ आपको याद होगा, पाई बॉन्ड को काटो, दोनों पे प्लस लगाओ, जो मोर स्टेबल है वो रहेगा, लेस स्टेबल को काट कर माइनस में बदल दो। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन है और ये नॉर्मल सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। ये मोर स्टेबल है रहेगा, लेस स्टेबल को काट कर माइनस में बदल दो। प्लस जाएगा माइनस के पास, माइनस जाएगा प्लस के पास और आपका मेजर प्रोडक्ट आपके सामने होगा। ओके बेटा, अगर ये अनसिमिट्रिकल एल्कीन होती तो आप मार्कोनी काफ से भी कर सकते थे, यहां पर हाइड्रोजनों की संख्या सेम है इसलिए पोरवाल काफ से आपने एडिशन कराया। ओके बेटा, तो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं
जिसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, मैं वो भी ले ले रहा हूँ। लिखना मेरा कुछ भी नहीं है, सब लिखा हुआ है। ओके, अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल बच्चों हम ये ले लेते हैं, आपके बुकलेट का सवाल ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया, आप लोग समझ तो गए होंगे, दिस इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, बस हमने वाटर की जगह पर हैवी वाटर का इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, जैसे कि आप लोग जानते हैं सर्वप्रथम अटैक करेगा H प्लस, ये स्टेप स्लोवेस्ट होगा, एडिशन फॉलो होगा मार्कोनी काप या पोरवाल काप से, पाई बॉन्ड काटा, दोनों पे प्लस लगाया। अब बच्चों देखने वाली बात ये है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, अब क्या किया जाए, ज्यादा स्टेबल हम किसको माने हैं? तो देखो बेटा, जो कार्बोकेटाइन अपने आप को फर्दर स्टेबलाइज कर सकता है हम उसको ज्यादा स्टेबल ले लेंगे। ये वाला प्लस यहां पे जाकर सेकेंडरी ही रहेगा, जबकि ये वाला प्लस यहां पे जाकर टर्सरी हो सकता है, तो हम इसको रखेंगे और इसको काटकर माइनस में बदल देंगे। प्लस माइनस से जाके जुड़ जाएगा और ये देखिए सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बगल वाले पर पहुंचेगा, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा वाया 1.2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, क्योंकि इसके पास अभी एक हाइड्रोजन होगा, हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन इसके पास होगा, यहां पे बेटा हो जाएगा 1.2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, और ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल टर्सरी कार्बोकेटायन में बदल गया। अब इस टर्सरी कार्बोकेटायन में सेकेंड स्टेप पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। हमारे स्टूडेंट जानते हैं वाटर के अटैक करने का मतलब होता है OH का जुड़ना, तो D2O के अटैक करने का मतलब होगा OD का जुड़ना, एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। आप अगर ध्यान से देखें तो इसको आप लिखेंगे, हेलो हाँ हेलो बताइए, मैं किस पे क्लास ले रहा हूँ बेटा, आप शाम को मिलिए 6:30 बजे। हाँ क्लास में, तो बेटा अगले पेज पर जरा देखेंगे, पेज नंबर 12 पर, पेज नंबर 12 पर ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट बना हुआ है उसके ऊपर एग्जाम्पल दिया गया है, तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, सबसे पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, इससे मैंने रिवीजन करा दिया आप लोगों का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म से रिवीजन कर लेना तो आपको और अच्छा लगेगा। लिख लिया बेटा, पानी पी लेते जरा। देखिए अब सभी लोग अपनी बुकलेट पर देखेंगे, मैं पढ़ने जा रहा हूं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जो स्लो होगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जो फास्ट होगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है, इसलिए रीअरेंजमेंट की भरपूर संभावना है, एक एग्जांपल आपने कर लिया। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आप सभी को मालूम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन,
जो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा उस एल्कीन का रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगा, और कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और प्लस आर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और माइनस आर। अब बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ये किसके किसके साथ देता है, H2, X2, HX, HOCl, NOCl, H2SO4, एसिटिक एसिड और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये सारी चीजें आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हमसे पढ़ चुके हैं, राइट। अगले पेज पर हमने एक फॉर्मेलिटी करी है, कुछ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हमने कर दिखाए हैं, तो आइए उनको देख लेते हैं। एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है बच्चों हम लोगों को, बाकी सारा चीजें आप पढ़ चुके ऑलरेडी। ये मान लीजिए हमने अनसिमिट्रिकल एल्कीन ले ली, और इस अनसिमिट्रिकल एल्कीन में हमने सबसे पहले ऐड किया HX को। जितने भी बड़ा रिएजेंट होते हैं, हर रिएजेंट के पास आधा पार्ट होता है इलेक्ट्रोफिलिक और रिमेनिंग आधा पार्ट होता है न्यूक्लियोफिलिक। आप देखिए HX के पास भी आधा पार्ट H+ इलेक्ट्रोफिलिक है, आधा पार्ट X- न्यूक्लियोफिलिक है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अटैक करेगा H+ और फिर अटैक करेगा X-। देखिए अनसिमिट्रिकल एल्कीन है, चाहो तो पोरवाल काफ लगा दो और चाहो तो मार्कोनी काफ लगा दो। पोरवाल काफ को क्यों परेशान कर रहे हो, एल्कीन अनसिमिट्रिकल है। प्लस वाला वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, माइनस वाला वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। और ये देखो बेटा प्रोडक्ट बन जाए, कोई भी एग्जांपल ले लो। दूसरा दिया गया है HOCl, आप देख सकते हैं HOCl में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है OH, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है Cl+। तरीका फिर वही है, प्लस वाला वहां जाएगा जहां हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा है और माइनस वाला वहां जाएगा जहां हाइड्रोजनों की संख्या कम। आपको मैं बताना चाहूंगा जब एडजेसेंट कार्बन पर एक OH और एक हैलोजन होता है तो इसे बेटा हम लोग कहते हैं हैलोहाइड्रिन। बोलो क्या कहते हैं, हैलोहाइड्रिन। Cl लगा हुआ है तो नाम बेटा हो गया क्लोरोहाइड्रिन। ओके बेटा, तो इस प्रकार से देखिए HOCl का एडिशन हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा HOCl के स्थान पर हम लोग क्लोरीन वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं। बेटा बोलो किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, NOCl लिया, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट NO+ होता है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट Cl- है। मार्कोनी का आपसे एडिशन करा दीजिए बच्चा, और ये देखिए बन गया। मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में बताया होगा, नहीं बताया तो यहां लिख लीजिए, इसे हम लोग टिल्डेंस रिएजेंट कहते हैं। नेक्स्ट बेटा क्या है, H2SO4। H2SO4 में देखिए एक पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक है और दूसरा पार्ट न्यूक्लियोफिलिक है। मार्कोनी का आपसे एडिशन हो जाएगा, और ये देखो बेटा एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। इस एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का यूज क्या होता है बच्चों, अगर इसको हम लोग गर्म कर दें तो वापस से हमें वही एल्कीन मिल जाती है जहां से ये बना होता है। इसीलिए बेटा हम लोग एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का यूज करते हैं एल्कीन को एल्केन से सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक बर्तन है, उसमें एल्कीन और एल्केन पड़े हुए हैं, हमें दोनों को सेपरेट करना था। हमने थोड़ा सा H2SO4 डाला,
ये H2SO4 एल्कीन में ऐड होकर एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा, जिसको हम छान के अलग कर लेंगे, गर्म कर देंगे, वापस से एल्कीन प्राप्त हो जाएगी। तो एल्केन बच्चों अलग हो गया, एल्कीन अलग हो गया। तो H2SO4 की हेल्प से हम एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बना लेते हैं, जिसको एल्केन से अलग कर लेते हैं और गर्म करेंगे तो वापस से हमको एल्कीन प्राप्त हो जाती है। ओके, और देखो बेटा, और एसिटिक एसिड डाला, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे प्लस कहां जाएगा, माइनस कहां जाएगा। क्लियर? इसके बाद बच्चों इन्होंने क्या ऐड किया, हाँ ये आपके लिए नई रिएक्शन, ये बच्चों आपके लिए नई रिएक्शन। देखिए वो एल्कीन छुप गया है ऊपर, दोबारा लिख दे रहे। देखिए जब ऑक्सीजन को ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट क्या होगा, पाई बॉन्ड कटा, दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई और बीच में जाकर ये ऑक्सीजन लग गया। इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए बेटा इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इपॉक्सीडेशन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बेटा हम लोग कहते हैं इपॉक्सीडेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्कीन का रिएक्शन ऑक्सीजन से इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट, साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन होता है, इसे हम लोग कहते हैं इपॉक्सीडेशन। हम लोग इसके स्थान पर एक दूसरे रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, MCPBA, तो भी बच्चों यही बनेगा। अब ये MCPBA होता क्या है, इधर देखिए, आप इसे जानते हैं, दिस इज बेंजोइक एसिड COOH। हमने बेंजोइक एसिड में O और H के बीच में एक ऑक्सीजन लगा दिया और परऑक्साइड लिंकेज डेवलप करी। ये देखो क्या डेवलप हो गई, परऑक्साइड लिंकेज डेवलप हुई, तो बेंजोइक एसिड बदल गया पर बेंजोइक एसिड में, और इस पर बेंजोइक एसिड के मेटा पोजिशन पे लगा दिया Cl, तो नाम बन गया मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ये भी बच्चों वही काम करेगा जो ऑक्सीजन ने किया इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, इपॉक्सीडेशन। तो ये बड़ी नई रिएक्शन थी बेटा आपके लिए, बोले तो इपॉक्सीडेशन। इसको बच्चों इसी रिएक्शन की लेफ्ट में जगह खाली पड़ी है, वहां पे आप इसको बना लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला वाला बेटा बढ़ाना क्या बताएं, सब आपको मालूम ही है लेकिन मुझे बताना पड़ेगा, मेरा काम है बताना। आप देख सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छा सवाल तो आप अभी कर ही चुके हैं, लास्ट एग्जांपल दिया हुआ है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। आप समझ गए हैं, ये डी प्लस यहां पे जुड़ेगा और वॉटर से दिया गया OH यहां पर जुड़ेगा, वॉट इज दिस, ये वही है बच्चों जो अभी अभी आप लोगों ने किया था, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन इस प्रकार से आप लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमसे बेटा खत्म किया। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन खत्म हो गया, पहली हेडिंग जो है बच्चों वो खत्म हो चुकी, लेकिन यहीं पर आप देखिए अपनी बुकलेट में नीचे डब्बा बना के हमने कुछ दिखाया है आपको। इस डब्बे में मैंने इस साइक्लिक ईथर की
दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको दिखाई हैं। पहली दिखाई है ग्रिगोनॉट रिएजेंट के साथ और दूसरी दिखाई है एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस। तो एक बार जरा सभी लोग यहां पर आप लगभग 5 से 10 मिनट वीडियो को पॉज करेंगे और जितना मैंने एल्कीन में पढ़ाया है उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, जिस प्रकार से हमने एल्कीन की प्रिपरेशन में सिर्फ दो चीजें नहीं पढ़ी, एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजिनेशन इनटू एल्कीन वाया लिंडलर्स कैटलिस्ट सिस एल्कीन बर्स्ट रिडक्शन ट्रांस एल्कीन, दूसरी नई चीज पढ़ी विटिंग रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन फास्फोरस इलाइड से एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। प्रॉपर्टी में आए, पहली प्रॉपर्टी पढ़ी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिल पे हाथ रखिए और खुद बताइए इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में भी तुमने सिर्फ दो बातें नहीं पढ़े। पहली बात, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं एल्कीन को एल्केन से सेपरेट करने के लिए, क्योंकि एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट को गर्म कर दें तो वापस से हमें एल्कीन प्राप्त हो जाती है। दूसरा नया पॉइंट आपने पढ़ा है इपॉक्सीडेशन, एल्कीन का रिएक्शन ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट से करा दो या MCPBA से करा दो, हमें साइक्लिक ईथर इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, इस रिएक्शन को कहते हैं इपॉक्सीडेशन। दो बातें अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस साइक्लिक ईथर की दो रिएक्शनें, ध्यान से देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये दोनों रिएक्शनें आपकी कॉपी में डब्बे के अंदर बनी हुई हैं, ध्यान से देखिए। ये रहा आपका साइक्लिक ईथर, अनसिमेट्रिकल लिया है हमने, ये लेस हिंडर्ड कार्बन है, ये मोर हिंडर्ड कार्बन है। ऑक्सीजन बच्चों इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनों को घसीटेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें कोई शक नहीं। हमने पहली रिएक्शन बच्चों इसकी कराई है ग्रिगोनॉट रिएजेंट से। आप लोगों ने हमसे ये पढ़ा था ग्रिगोनॉट रिएजेंट इज द सोर्स ऑफ कार्बन आयन, जो न्यूक्लियोफाइल भी होता है, जो बेस के तरह भी काम करता है, ठीक। अब सुनना, जब इसके ऊपर माइनस अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है ये माइनस प्लस पर ही अटैक करेगा। अब क्वेश्चन ये उठा, ये माइनस इनमें से किस प्लस पे अटैक करेगा? तो ध्यान रखिए बच्चों, ये अटैक करता है लेस हिंडर्ड कार्बन पर। ऐसा क्यों? उसका रीजन सुनिए, आर माइनस इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल और गुड न्यूक्लियोफाइल फॉलो करते हैं SN2 पैटर्न को, तो ये SN2 पैटर्न में अटैक करता है और SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, तो ये वहां पे अटैक करेगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। बच्चों हमारी केमिस्ट्री में अटैक करने का मतलब होता है जाके जुड़ जाना। जब ये यहां पे जाके जुड़ेगा, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, ये कार्बन भड़बड़ाने लगेगा, तो ये ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड पेयर लेकर अलग हो जाएगा और ये देखिए बेटा
एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो गया। एल्कोक्साइड आयन इज इटसेल्फ ए स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या करेगा, ये सॉल्वेंट वाटर से H+ को घसीटेगा और इस प्रकार से एल्कोहल बनाएगा। तो साइक्लिक ईथर की रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नोड रिएजेंट से कराएं फॉलोड बाय एडिशन ऑफ वाटर या हाइड्रोलिसिस तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। वैसे बच्चों आपको ये मैकेनिज्म समझ में आनी चाहिए, बहुत ही नॉर्मल चीज है, फिर भी अगर दिक्कत हो तो रेक्टिफिकेशन की तरह पढ़ सकते हैं। लेस हिंडर्ड कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड काटो, इसको दे दो ग्रिग्नोड का R और O को दे दो H, सीधे आपका एल्कोहल बनेगा। लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा सा अगर ऐसे आप रफ कॉपी पर दो बार करके देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर सुनो, ग्रिग्नोड रिएजेंट सोर्स ऑफ R- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 पैटर्न में लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड पेयर लेके अलग हो जाएगा, बनेगा एल्कोक्साइड आयन जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, सॉल्वेंट से H+ को ले लेगा और एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप ऐसे कर लीजिए। हाँ, जो दूसरा वाला बच्चों है दैट इज साइक्लिक ईथर की हाइड्रोलिसिस, तो यहां पे मैं ज्यादा आपको नहीं परेशान करूंगा, यहां पे ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, देखिए क्या करेंगे। यहां पर आप मोर हिंडर्ड कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड काटेंगे, इसको दे देंगे वाटर का H+ और इसको दे देंगे वाटर का OH-, और ये देखिए आपका प्रोडक्ट बन गया, दिस इज विस डाईऑल और विस डाईऑल को हम लोग ग्लाइकॉल कहते हैं। फिर से बता रहा हूं बेटा, अगर दोनों का कंपैरिजन करें, यहां पे लेस हिंडर्ड कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा, यहां पे मोर हिंडर्ड कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, O- को मिलेगा H+ और C+ को मिलेगा OH- और ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन होगा। इस ग्लाइकॉल में बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, दिस इज ट्रांस, ये ध्यान रखी ज्यादा अच्छा है। ट्रांस का मतलब एक OH को अगर वेस से लगाओगे तो दूसरे OH को डैश से लगाओगे, इसको डैश से लगाओगे तो इसको वेज से लगाओगे। अब सुन लो बेटा, आइए दोनों की समरी पढ़ें। ग्रिग्नोड से रिएक्शन कराया तो लेस हिंडर्ड कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ा, उसको दे दिया R, इसको दे दिया H। जब हाइड्रोलिसिस कराया तो मोर हिंडर्ड कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ा, O- को H+, C+ को OH-, ट्रांस ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन हो गया। दैट्स इट। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांस ग्लाइकॉल। जब साइक्लिक ईथर का हाइड्रोलिसिस होता है तो ग्लाइकॉल तो बनता है, लेकिन कौन सा ग्लाइकॉल बनता है, ट्रांस ग्लाइकॉल बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने आपको दो रिएक्शनें बताई हैं साइक्लिक ईथर की। अगर आपको ये समझ में आया है तो आइए पेज नंबर 12 पे चलिए, जो शायद खाली पड़ा हुआ है, जो लिख रहा है पहले लिख लीजिए, नीचे वाले में भी बस ये दिखाना है, ऐसे काट के दिखाना है और ऊपर वाले में थोड़ा करके दिखाना है आपको, बस पेज नंबर 12 देखिए खाली पड़ा हुआ है।
सॉरी 12 नहीं 18, पेज नंबर 18 खाली पड़ा हुआ है। आइए जरा उसमें देखते हैं, कोई सवाल लेके देख लेते हैं। जैसे देखिए, मैंने ये ले लिया, मान लो से ये ले लिया और मैंने इसके ऊपर ग्रिग्नोड रिएजेंट डाला फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। पूरी क्लास समझ गई है, ग्रिग्नोड रिएजेंट इज द सोर्स ऑफ आर माइनस, अटैक करेगा एसएन टू पैटर्न में लेस हिंडर्ड पर, बॉन्ड कटेगा, इसको मिल जाएगा वाटर का एच प्लस। सीधे बना दे रहा हूं, दिस इज योर आंसर, ओके बेटा। और अगर बेटा हम यहां पे इसकी कराते हैं हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस, ठीक है, तो आपको मालूम है मोर हिंडर्ड कार्बन और ओ का बॉन्ड कटेगा, इसको मिलेगा OH, इसको मिलेगा H और ट्रांस ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन होगा। अब हमसे कभी कभी जब मैं ऐसे पढ़ाता हूं तो अक्सर बच्चों हमसे बच्चे आके पूछते हैं कि सर इसको ब्रेक करें इसमें या इसको ब्रेक करें, बनना तो ग्लाइकॉल ही है। बिल्कुल सही बात है, तो बच्चे ऐसा क्यों परेशान कर रहे हैं हमको फर्जी में कि मोर हिंडर्ड कार्बन और ओ का बॉन्ड ब्रेक होगा। देखिए बेटा सोचो, अगर मैं सवाल को ऐसे कर दूं, यहां पे मैं ऑक्सीजन का कोई आइसोटोप ले लूं O18, वैसे ओ होता है 16, हमने ले लिया आइसोटोप O18, तो अब आप देखिए फंस जाएंगे। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके पास आएगा वॉटर से OH, तो O18 ये होगा। अब ये सवाल वही कर पाएगा जिसको ये मालूम होगा कि ब्रेकिंग कौन से बॉन्ड की होती है। तो यहां पर तो मैंने आपको समझाया SN2 पैटर्न में लेस हिंडर्ड पे अटैक करेगा, ब्रेकिंग ये होगी, यहां पे समझाया नहीं, सीधे बता दिया कि ब्रेकिंग ये होती है। ओके, तो पेज नंबर 18 पे आप इसको लिख लीजिए। साइक्लिक ईथर की दो रिएक्शनें मैंने आपको बच्चों पढ़ाई हैं। अब जरा देखिए, आपकी कॉपी में अगले पेज पर दो सवाल लिखे हुए, एक सवाल लिखा हुआ है, जरा उस सवाल को देखिए, इसको लिख लिया। ओके, इस सवाल को करके दिखाइए, चलिए करिए। आपको करना है, बताइए क्या बनेगा। करके बताइए बेटा फटाक से क्या बनेगा। ध्यान रखिए स्ट्रॉन्ग बेस है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करेगा, MCPBA इपॉक्सीडेशन करेगा, यहां पर इपॉक्साइड बनेगा
और ये उसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ट्रांस ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन होगा। किया बेटा? ओके आइए देखते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या कॉज करेगा? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, अल्फा से हेलोजन और किसी एक बीटा से हाइड्रोजन हटेगा और यहां पे बेटा एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब एल्कीन के बाद एमसीपीबीए डाला है, ये करेगा इपॉक्सीडेशन और जब इपॉक्सीडेशन होगा तो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड कटेगा और दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन आके लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपने कराई है हाइड्रोलिसिस, आपको मालूम है मोर हिंडर्ड और ओ का बीच का बॉन्ड कटता है, यहां पर दोनों जो कार्बन है वो इक्वली हैं, आप किसी भी बॉन्ड को काट दो एक ओएच इधर आ जाएगा एक ओएच इधर, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों ओएच ट्रांस पैटर्न में होंगे इसलिए प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। एक ओएच को अगर जोड़ेंगे आप वेज से तो दूसरे ओएच को आप जोड़ेंगे डैश। ट्रांस ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल था, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा था, इपॉक्सीडेशन हो रहा था और साइक्लिक ईथर की फिर हाइड्रोलिसिस भी हो रही थी। ओके बेटा, तो इस प्रकार से आज आप लोगों ने एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा और पहली रिएक्शन पढ़ी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब बच्चों हम लोग चालू करेंगे आराम से इसकी दूसरी हेडिंग ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का लेक्चर आपको कल मिलेगा, मैं यहां पर स्टॉप कर रहा हूं। एक बात ध्यान रखिए, आज का ये पूरा जो लॉज आपने पढ़ा है एल्कीन, आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप रिएक्शन मैकेनिज्म के नोट्स खोलेंगे और सबसे पहले आप रिवाइज करेंगे एडिशन रिएक्शन वाली हेडिंग। जब ये हेडिंग आप रिवाइज कर लेंगे तब आप आज के लेक्चर को पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? अच्छा, इस प्रकार से आज हम लोगों ने लेक्चर कंप्लीट किया। जस्ट मिनट बेटा, अभी दो दिनों से, परसों दो दिनों से ये पता चला है कि सिलेबस जो है रिड्यूस हो गया है और वो कंफर्म भी हो गया है, न्यूज में भी आ गया है, न्यूज़पेपर में भी आ गया है। तो वैसे केमिस्ट्री में कोई खास रिडक्शन नहीं हुआ है, केमिस्ट्री में तो बच्चों हम लोगों को सारे चैप्टर्स ही पढ़ने, हाँ चैप्टर्स के अंदर से कुछ हेडिंग्स हट गई हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उन्होंने क्या किया है, कोरोजन को हटा दिया है, इलेक्ट्रोलिसिस को हटा दिया है, गैल्वेनिक सेल को हटा दिया है। तो पढ़ना तो हम लोगों को पूरे चैप्टर्स ही हैं, कुछ कुछ हेडिंग्स हटा दी हैं तो हम लोग को ज्यादा फायदा तो नहीं मिला, केमिस्ट्री में ज्यादा फायदा नहीं है। हाँ बायो में फायदा है बताते हैं सब लोग, केमिस्ट्री में ज्यादा फायदा नहीं है, हम लोग को अमूमन सारे ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, कुछ कुछ हेडिंग्स हम लोगों को छोड़नी है बस। एक दो चैप्टर है जो पूरे हटाए हैं, लाइक पॉलीमर पूरा हटा दिया है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पूरा हटा दिया है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस पूरा हटा दिया है, तो वो चैप्टर भी बेकार ही थे। छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं उनको तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बाकी सारे बड़े चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ने हैं, कुछ कुछ हेडिंग्स हटाई हैं, जो जो हेडिंग्स हटाई हैं वो हेडिंग हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। ऑनलाइन के बच्चों ने मुझसे कहा सर आपने इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग को नहीं पढ़ाया, इसीलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि वो एनटीए ने हटा दिया था, रिड्यूस कर दिया था और देखिए आज वो कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रोलिसिस हट गया। तो जो भी थोड़ा बहुत हटा है उसको देखते हुए हम लोग को पढ़ना है, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए और प्रयास करिए नंबर 500 प्लस या 600 प्लस नहीं, नंबर 700 प्लस लाने का प्रयास करिए। ओके बच्चों, मिलते हैं हम लोग कल
इसके अगली हेडिंग पढ़ेंगे ओजोनोलिसिस और ऑक्सीडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होंगी वो। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू। पर बेंजोइक एसिड के मेटा पोजीशन पे लगा दिया सीएल, तो नाम बन गया मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ये भी बच्चों वही काम करेगा जो ऑक्सीजन ने किया इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर इपॉक्सीडेशन। तो ये बड़ी नई रिएक्शन थी बेटा आपके लिए, बोले तो इपॉक्सीडेशन। इसको बच्चों इसी रिएक्शन की लेफ्ट में जगह खाली पड़ी है वहां पे आप इसको बना लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला वाला बेटा बढ़ाना क्या बताएं, सब आपको मालूम ही है लेकिन मुझे बताना पड़ेगा, मेरा काम है बताना। आप देख सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छा सवाल तो आप अभी कर ही चुके हैं। लास्ट एग्जांपल दिया हुआ है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, आप समझ गए हैं ये डी प्लस यहां पे जुड़ेगा और वाटर से दिया गया OH यहां पे जुड़ेगा, व्हाट इज दिस, ये वही है बच्चों जो अभी अभी आप लोगों ने किया था एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन इस प्रकार से आप लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमसे बेटा खत्म किया। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन खत्म हो गया, पहली हेडिंग जो है बच्चों वो खत्म हो चुकी है। लेकिन यहीं पर आप देखिए अपनी बुकलेट में नीचे डब्बा बना के हमने कुछ दिखाया है आपको। इस डब्बे में मैंने इस साइक्लिक ईथर की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको दिखाई हैं। पहली दिखाई है ग्रिगनॉट रिएजेंट के साथ और दूसरी दिखाई है एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस। तो एक बार जरा सभी लोग यहां पर आप लगभग 5 से 10 मिनट वीडियो को पॉज करेंगे और जितना मैंने एल्कीन में पढ़ाया है उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों जिस प्रकार से हमने एल्कीन की प्रिपरेशन में सिर्फ दो चीजें नहीं पढ़ी, एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजिनेशन इनटू एल्कीन वाया लिंडलर्स कैटलिस्ट सिस एल्कीन बर्स रिडक्शन ट्रांस एल्कीन, दूसरी नई चीज पढ़ी विटिंग रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन फास्फोरस इलाइड से एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। प्रॉपर्टी में आए, पहली प्रॉपर्टी पढ़ी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिल पे हाथ रखिए और खुद बताइए इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में भी तुमने सिर्फ दो बातें नहीं पढ़ी। पहली बात, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं एल्कीन को एल्केन से सेपरेट करने के लिए, क्योंकि एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट को गर्म कर दें तो वापस से हमें एल्कीन प्राप्त हो जाती है। दूसरा नया पॉइंट आपने पढ़ा है इपॉक्सीडेशन, एल्कीन का रिएक्शन ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट से करा दो या MCPBA से करा दो, हमें साइक्लिक ईथर इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, इस रिएक्शन को कहते हैं इपॉक्सीडेशन। दो बातें अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस साइक्लिक ईथर की दो रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
ये दोनों रिएक्शन आपकी कॉपी में डब्बे के अंदर बनी हुई हैं। ध्यान से देखिए, ये रहा आपका साइक्लिक ईथर, अनसिमिट्रिकल लिया है हमने, ये लेस हिंडर्ड कार्बन है, ये मोर हिंडर्ड कार्बन है। ऑक्सीजन बच्चों इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनों को घसीटेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें कोई शक नहीं। हमने पहली रिएक्शन बच्चों इसकी कराई है ग्रिग्नोड रिएजेंट से। आप लोगों ने हमसे ये पढ़ा था ग्रिग्नोड रिएजेंट इज द सोर्स ऑफ कार्बन आयन, जो न्यूक्लियोफाइल भी होता है, जो बेस के तरह भी काम करता है। ठीक, अब सुनना, जब इसके ऊपर माइनस अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है ये माइनस प्लस पर ही अटैक करेगा। अब क्वेश्चन ये उठा, ये माइनस इनमें से किस प्लस पे अटैक करेगा? तो ध्यान रखिए बच्चों, ये अटैक करता है लेस हिंडर्ड कार्बन पर। ऐसा क्यों? उसका रीजन सुनिए, आर माइनस इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल और गुड न्यूक्लियोफाइल फॉलो करते हैं SN2 पैटर्न को, तो ये SN2 पैटर्न में अटैक करता है और SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, तो ये वहां पे अटैक करेगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। बच्चों हमारी केमिस्ट्री में अटैक करने का मतलब होता है जाके जुड़ जाना। जब ये यहां पे जाके जुड़ेगा, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, ये कार्बन भड़बड़ाने लगेगा, तो ये ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड पेयर लेकर अलग हो जाएगा। और ये देखिए बेटा, एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो गया। एल्कोक्साइड आयन इज इटसेल्फ ए स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या करेगा? ये सॉल्वेंट वाटर से एच प्लस को घसीटेगा और इस प्रकार से एल्कोहल बनाएगा। तो साइक्लिक ईथर की रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नोड रिएजेंट से कराएं फॉलोड बाय एडिशन ऑफ वाटर या हाइड्रोलिसिस, तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। वैसे बच्चों आपको ये मैकेनिज्म समझ में आनी चाहिए, बहुत ही नॉर्मल चीज है, फिर भी अगर दिक्कत हो तो रेक्टिफिकेशन की तरह पढ़ सकते हैं। लेस हिंडर्ड कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड काटो, इसको दे दो ग्रिग्नोड का आर और ओ को दे दो एच, सीधे आपका एल्कोहल बनेगा। लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा सा अगर ऐसे आप रफ कॉपी पर दो बार करके देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर सुनो, ग्रिग्नोड रिएजेंट सोर्स ऑफ आर माइनस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, SN2 पैटर्न में लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड पेयर लेके अलग हो जाएगा, बनेगा एल्कोक्साइड आयन जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, सॉल्वेंट से एच प्लस को ले लेगा और एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप ऐसे कर लीजिए। हाँ, जो दूसरा वाला बच्चों है, दैट इज साइक्लिक ईथर की हाइड्रोलिसिस, तो यहां पे मैं ज्यादा आपको नहीं परेशान करूंगा, यहां पे ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। देखिए क्या करेंगे, यहां पर आप मोर हिंडर्ड कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड काटेंगे, इसको दे देंगे वाटर का H प्लस और इसको दे देंगे वाटर का OH माइनस। और ये देखिए आपका प्रोडक्ट बन गया, दिस इज विस डाई ऑल, और विस डाई ऑल को हम लोग ग्लाइकॉल कहते हैं।
फिर से बता रहा हूं बेटा, अगर दोनों का कंपैरिजन करें, यहां पे लेस हिंडर्ड कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा, यहां पे मोर हिंडर्ड कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, O माइनस को मिलेगा H प्लस और C प्लस को मिलेगा OH माइनस और ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन होगा। इस ग्लाइकॉल में बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, दिस इज ट्रांस, ये ध्यान रखी ज्यादा अच्छा है। ट्रांस का मतलब एक OH को अगर वेस से लगाओगे तो दूसरे OH को डैश से लगाओगे, इसको डैश से लगाओगे तो इसको वेस से लगाओगे। अब सुन लो बेटा, आइए दोनों की समरी पढ़े। ग्रिगनोल्ड से रिएक्शन कराया तो लेस हिंडर्ड कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ा, उसको दे दिया R, इसको दे दिया H। जब हाइड्रोलिसिस कराया तो मोर हिंडर्ड कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ा, O माइनस को H प्लस, C प्लस को OH माइनस, ट्रांस ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन हो गया। दैट्स इट, दैट्स इट। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांस ग्लाइकॉल। जब साइक्लिक ईथर का हाइड्रोलिसिस होता है तो ग्लाइकॉल तो बनता है, लेकिन कौन सा ग्लाइकॉल बनता है? ट्रांस ग्लाइकॉल बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने आपको दो रिएक्शनें बताई हैं साइक्लिक ईथर की। अगर आपको ये समझ में आया है तो आइए पेज नंबर 12 पे चलिए, जो शायद खाली पड़ा हुआ है, जो लिख रहा है पहले लिख लीजिए। नीचे वाले में भी बस ये दिखाना है, इसे काट के दिखाना है, और ऊपर वाले में थोड़ा करके दिखाना है आपको। बस पेज नंबर 12 देखिए खाली पड़ा हुआ है, सॉरी 12 नहीं 18, पेज नंबर 18 खाली पड़ा हुआ है। आइए जरा उसमें देखते हैं, कोई सवाल लेके देख लेते हैं। जैसे देखिए मैंने ये ले लिया, मान लो से ये ले लिया और मैंने इसके ऊपर ग्रिगनोल्ड रिएजेंट डाला फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। पूरी क्लास समझ गई है, ग्रिगनोल्ड रिएजेंट इज द सोर्स ऑफ R माइनस, अटैक करेगा SN2 पैटर्न में लेस हिंडर्ड पर, बॉन्ड कटेगा, इसको मिल जाएगा वाटर का H प्लस। सीधे बना दे रहा हूं, दिस इज योर आंसर, ओके बेटा। और अगर बेटा हम यहां पे इसकी कराते हैं हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, ठीक है, तो आपको मालूम है मोर हिंडर्ड कार्बन और O का बॉन्ड कटेगा, इसको मिलेगा OH, इसको मिलेगा H और ट्रांस ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन होगा। अब हमसे कभी कभी जब मैं ऐसे पढ़ाता हूं तो अक्सर बच्चों हमसे, बच्चे आके पूछते हैं कि सर इसको ब्रेक करें इसमें या इसको ब्रेक करें, बनना तो ग्लाइकॉल ही है। बिल्कुल सही बात है, तो बच्चे ऐसा क्यों परेशान कर रहे हैं हमको फर्जी में कि मोर हिंडर्ड कार्बन और O का बॉन्ड ब्रेक होगा। देखिए बेटा सोचो, अगर मैं सवाल को ऐसे कर दूं, यहां पे मैं ऑक्सीजन का कोई आइसोटोप ले लूं O18, वैसे O होता है 16, हमने ले लिया आइसोटोप O18, तो अब आप देखिए फंस जाएंगे। अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके पास आएगा वाटर से OH, तो O18 ये होगा। अब ये सवाल वही कर पाएगा
जिसको ये मालूम होगा कि ब्रेकिंग कौन से बॉन्ड की होती। तो यहां पर तो मैंने आपको समझाया SN2 पैटर्न में लेस हिंडर्ड पे अटैक करेगा, ब्रेकिंग ये होगी। यहां पे समझाया नहीं, सीधे बता दिया कि ब्रेकिंग ये होगी। ओके, तो पेज नंबर 18 पे आप इसको लिख लीजिए। साइक्लिक ईथर की दो रिएक्शनें मैंने आपको बच्चों पढ़ाई हैं। अब जरा देखिए, आपकी कॉपी में अगले पेज पर दो सवाल लिखे हुए, एक सवाल लिखा हुआ है, जरा उस सवाल को देखिए। इसको लिख लिया, ओके। इस सवाल को करके दिखाइए, चलिए करिए। आपको करना है, बताइए क्या बनेगा। करके बताइए बेटा फटाक से क्या बनेगा। ध्यान रखिए स्ट्रॉन्ग बेस है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करेगा, MCPBA इपॉक्सीडेशन करेगा, यहां पर इपॉक्साइड बनेगा और ये उसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ट्रांसग्लाइकॉल का फॉर्मेशन होगा। किया बेटा? ओके, आइए देखते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या कॉज करेगा? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, अल्फा से हैलोजन और किसी एक बीटा से हाइड्रोजन हटेगा और यहां पे बेटा एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब एल्कीन के बाद MCPBA डाला है, ये करेगा इपॉक्सीडेशन और जब इपॉक्सीडेशन होगा तो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड कटेगा और दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन आके लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपने कराई है हाइड्रोलिसिस, आपको मालूम है मोर हिंडर्ड और ओ का बीच का बॉन्ड कटता है। यहां पर दोनों जो कार्बन है वो इक्वली हैं, आप किसी भी बॉन्ड को काट दो, एक OH इधर आ जाएगा, एक OH इधर, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों OH ट्रांस पैटर्न में होंगे, इसलिए प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। एक OH को अगर जोड़ेंगे आप वेज से तो दूसरे OH को आप जोड़ेंगे डैश। ट्रांस ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल था, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो रहा था, इपॉक्सीडेशन हो रहा था और साइक्लिक ईथर की फिर हाइड्रोलिसिस भी हो रही थी। ओके बेटा, तो इस प्रकार से आज आप लोगों ने एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा और पहली रिएक्शन पढ़ी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब बच्चों हम लोग चालू करेंगे आराम से इसकी दूसरी हेडिंग, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का लेक्चर आपको कल मिलेगा, मैं यहां पर स्टॉप कर रहा हूं। एक बात ध्यान रखिए, आज का ये पूरा जो लॉज आपने पढ़ा है एल्कीन, आप सबसे पहले क्या काम करेंगे,
आप रिएक्शन मैकेनिज्म के नोट्स खोलेंगे और सबसे पहले आप रिवाइज करेंगे एडिशन रिएक्शन वाली हेडिंग। जब ये हेडिंग आप रिवाइज कर लेंगे तब आप आज के लेक्चर को पढ़ेंगे। क्लियर बेटा? अच्छा, इस प्रकार से आज हम लोगों ने लेक्चर कंप्लीट किया। जस्ट मिनट बेटा, अभी दो दिनों से, परसों दो दिनों से ये पता चला है कि सिलेबस जो है रिड्यूस हो गया है और वो कन्फर्म भी हो गया है, न्यूज में भी आ गया है, न्यूज़पेपर में भी आ गया है। तो वैसे केमिस्ट्री में कोई खास रिडक्शन नहीं हुआ है। केमिस्ट्री में तो बच्चों हम लोगों को सारे चैप्टर्स ही पढ़ने, हाँ चैप्टर्स के अंदर से कुछ हेडिंग्स हट गई हैं। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उन्होंने क्या किया है, कोरोजन को हटा दिया है, इलेक्ट्रोलिसिस को हटा दिया है, गैल्वेनिक सेल को हटा दिया है। तो पढ़ना तो हम लोगों को पूरे चैप्टर्स ही हैं, कुछ कुछ हेडिंग्स हटा दी हैं, तो हम लोग को ज्यादा फायदा तो नहीं मिला, केमिस्ट्री में ज्यादा फायदा नहीं। हाँ बायो में फायदा है, बताते हैं सब लोग, केमिस्ट्री में ज्यादा फायदा नहीं है। हम लोग को अमूमन सारे ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, कुछ कुछ हेडिंग्स हम लोगों को छोड़नी है बस। एक दो चैप्टर हैं जो पूरे हटाए हैं, लाइक पॉलीमर पूरा हटा दिया है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पूरा हटा दिया है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस पूरा हटा दिया है। तो वो चैप्टर भी बेकार ही थे, छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं उनको तो यार टाइम भी नहीं लगता है। बाकी सारे बड़े चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ने हैं, कुछ कुछ हेडिंग्स हटाई हैं, जो जो हेडिंग्स हटाई हैं वो हेडिंग हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। ऑनलाइन के बच्चों ने मुझसे कहा सर आपने इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग को नहीं पढ़ाया, इसीलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि वो एनटीए ने हटा दिया था, रिड्यूस कर दिया था, और देखिए आज वो कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रोलिसिस हट गया। तो जो भी थोड़ा बहुत हटा है उसको देखते हुए हम लोग को पढ़ना है। मेहनत करते रहिए, लगे रहिए और प्रयास करिए नंबर 500 प्लस या 600 प्लस नहीं, नंबर 700 प्लस लाने का प्रयास करिए। ओके बच्चों, मिलते हैं हम लोग कल, इसके अगली हेडिंग पढ़ेंगे, ओजोनोलिसिस और ऑक्सीडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होंगी वो। ठीक है बेटा? ओके बेटा, थैंक यू।